Hello and welcome. You're watching Headlines Today. Let's go across straight to Agenda Aaj Tak, taking place at the Le Meridien Hotel in Delhi. Kamal Nath and Arun Jaitley are on stage. Gehri vichar se aur soch se apna faisla karte hain, kyunki prashn 2014 mein hoga ki aap desh ka bhavishya kiske haath mein saunpna chahte hain. Kis kaun si party desh mein shanti kayam rakh sakti hai, kaun si party ki vikas aur pragati ki soch hai. ये सब बातें 6 महीने दूर हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि किसी भी परिस्थितियों में और जो आंकड़े हैं, कांग्रेस सीटें हार सकती है, ज्यादा सीटें हार सकती है. किसी और पार्टी को, मैं अरुण जेटली जी की पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कोई भी पार्टी को अगर सरकार बनानी है, अगर राज तिलक की बात करनी है, उनको बहुत बहुत सारी सीटें जीतने पड़ेंगी. ये अंतर है. आप मान रहे हैं कि आप हार रहे हैं? अगर हमारी सीटें कम हुई, और हो सकता है कम हुई, कि इसमें कोई संकोच की बात नहीं है, हो सकती है. पर आज अगर हम 207 से गिनती शुरू करें, हम 10-20 हार जाए, 30 हार जाए, दूसरे दलों को बहुत ज्यादा सीटें जीतनी पड़ेंगी. तो आप कह रहे हैं कि आस्किंग रेट बहुत ज्यादा है बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का, और उस आस्किंग रेट तक पहुंच पाना नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत के लिए, आपने कहा कि शांति कायम रख पाएगी कि नहीं वो पार्टी या वो नेता, तो ये सवाल खड़ा हो रहा है जेटली साहब कि कांग्रेस तो शायद मान रही कि कुछ सीटें हार सकती है, लेकिन जितनी सीटें आपको चाहिए, जो लक्ष्मण रेखा बीजेपी की है 7 रेसकोर्स रोड पहुंचने तक, कमलनाथ जी का कहना है कि उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाएंगे. देखिए, आप एग्जिट पोल्स को भूल जाइए. अगर आपका कार्यक्रम 9 दिसंबर को हुआ होता तो मुझे मालूम नहीं कमलनाथ जी क्या जवाब देते. लेकिन जमीन की हकीकत क्या है इसको देख लें. सरकार से निराशा, सरकार के नेतृत्व से निराशा, सरकार के कामकाज से निराशा, जिसको आपके चुनावी भाषा में एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, सरकार विरोधी भावना, जिसमें लोग गुस्से में, पीड़ा में, क्रोध में, आक्रोश में शासन बदलने की ठान लेते हैं, आज वो भावना लोगों की और वो सोच लोगों की चरण सीमा पर है. तो कोई एग्जिट पोल का रिजल्ट नहीं चाहिए. अगर इस देश की नब्ज को हम पहचानते हैं तो आपको स्पष्ट लोगों की ये भावना सामने नजर आ जाएगी. गुस्सा इतना क्यों है? चीजें इस स्थिति तक कैसे पहुंची कि जहां पर भी जाइए इस वक्त लोगों को सरकार से घिन आती है, क्रोध में है, बहुत उनको लगता है कि पीड़ा सरकार ने जनता तक पहुंचाई. मानेंगे आप ये कि एंटी इनकम्बेंसी पीक पे है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे खुशी है कि अरुण जेटली जी ने स्वीकार किया कि ओपिनियन पोल्स को अलग रखें. चलिए, 32 साल से मैं ये सुन रहा हूं और 32 साल चुनाव जीत रहा हूं, तो ये सब बातें, ये एंटी इनकम्बेंसी चुनाव, ये थकावट वर्तमान पार्टी से, वर्तमान गवर्नमेंट से थकावट, ये सब बातें रहती है. ये तो हर पार्टी में रहेगी, एंटी इनकम्बेंसी रहेगी. एंटी इनकम्बेंसी जो भी पार्टी आज राज्य सरकार में है, बहुत सारी अन्य दलें राज्य सरकार में है, एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ भी है. आज देश की जनता, हम दिल्ली को देश ना माने. दिल्ली में 6 पार्लियामेंट की सीटें हैं, एक रूरल सीट है, एक ग्रामीण सीट है, और ये जो सोच बन जाती है दिल्ली में बैठे हुए कि हम देश हैं, मैं ये बात स्पष्ट कहना चाहता हूं, दिल्ली देश नहीं है. और ये इसको इतना एग्जैजरेट करें कि जनता परेशान है, जनता, ये सब बातें तो 2009 में भी थी, जनता परेशान है, ये हो गया, वो हो गया, और हमारी 207 सीटें आ गई. कौन सी बात थी जो एंटी इनकम्बेंसी हमारे ऊपर थी? कहते थे कि हमारी मांगे नहीं पूरी हुई. आज ये बात सही है कि लोगों की आशाएं, लोगों की आशंकाएं बहुत हैं, और लोग चाहते हैं कि इसका कोई शॉर्टकट मिले. वो शॉर्टकट एक अलग उपाय में, एक चेंज में समझते हैं. पर यह भी उनको समझ आ गई है बात कि ऐसी बात अब आसानी से नहीं होती. बहुत समझदार है हमारे मतदाता. पर यह बात अक्सर होती है कि 2004 में भी, 2009 में भी लोगों को लगा कि कांग्रेस की हालत खराब है, ऐसा हुआ नहीं.
ये कहा जाता है कि ये जो बीजेपी के पक्ष में या मोदी जी के पक्ष में हवा है, ये एक बनावट की हवा है। नीतीश कुमार उसे ब्लोअर की हवा कहते हैं, कहते हैं कि पीछे से कॉर्पोरेट धक्का लगा रहे हैं इसलिए लग रहा है कि मोदी की हवा है। ऐसी हवा है नहीं कोई। देखिए, दिल को खुश रखना है तो बहुत अच्छा ख्याल है ये, क्योंकि सच्चाई से हम मुंह मोड़ लें। एक तो स्टेट के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होगी, ये कोई स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। ऐसे राज्य भी हैं जहां तीन तीन चार चार बार मुख्यमंत्री जीतते हैं। अगर आप अच्छा शासन चलाओगे और लोगों का कंफर्ट लेवल आपके साथ रहेगा तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी। लोग प्रसन्न होंगे तो सरकार नहीं बदलते। ये लोग जो आक्रोश में होते हैं वो शासन बदलते हैं। और इसलिए आज अगर केंद्र सरकार का उदाहरण देख ले, मैं राज्य सरकारों में अभी नहीं जाता, बढ़ती हुई कीमतें, अर्थव्यवस्था का देश का संचालन न कर पाना, निवेश के माहौल को पूरी रूप से बिगाड़ देना, इन्वेस्टमेंट साइकिल तोड़ देना, इकोनॉमिक स्लोडाउन उसकी वजह से होना, उसका रोजगार के ऊपर असर पड़ना, भ्रष्टाचार के बहुत गंभीर आरोप शासन पे लगे जिससे शासन की विश्वसनीयता एकदम टूट जाए, सुरक्षा के मामलों को लेकर लोगों को शासन और सरकार के बारे में प्रश्नचिन्ह खड़े हो जाएं, और नेतृत्व या बेहतर होगा कहूं नेतृत्वहीनता को लेकर एक प्रकार से निराशा हो और लोग इसकी तलाश में हों कि देश का जो नेतृत्व कर पाए, निर्णय ले पाए, कठोर निर्णय ले पाए, कठिन निर्णय ले पाए और इस स्थिति में से देश का संचालन करते हैं। ये जो आज भावना जनता में पैदा हो रही है, इन सब कारणों की वजह से भीतर में से पैदा हो रही है। आप मोदी जी की रैलीज देखते हैं, आप देखते हैं किस तरीके से भीड़ आती है, आप देखते हैं किस तरीके से भीड़ में जोश और जुनून होता है। आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो नेतृत्व ना होना की लीडरशिप का एक वैक्यूम है, एक आभास है, इस वजह से लोगों को लग रहा है कि एक डिसाइसिव लीडर अब की बात चाहिए। पहले रैलीज की बात कर ले जी। आई गई और लाई गई भीड़ में बहुत अंतर होता है। ये जो आई गई भीड़ है और जो लाई गई भीड़ है, इसमें बहुत अंतर होता है। और अब ये आई गई है या लाई गई है, जहां हुई है ये आप पता खुद चला लीजिएगा, ये बात स्पष्ट हो जाएगी। ये आवश्यक है कि किसी नए चेहरे को देखने के लिए, लोग नए चेहरे को सुनने के लिए एक दिलचस्पी होती है, चलो ये भी देखें ये क्या आइटम है। एक मेरा प्रश्न है कि 2009 के चुनाव में और 2004 के लोकसभा के चुनाव में गुजरात में क्या रिजल्ट था? अगर ये है कि राज्य सरकार बहुत अच्छी चल रही थी और भारतीय जनता पार्टी ने जो आश्वासन दिए थे, जो वायदे करे थे, तो मुझे याद नहीं पर लगभग दुगने से ज़्यादा कांग्रेस के सांसद गुजरात से लोकसभा में आए 2009 में। तो ये सब बातें कि ये हो गया और ये आज विश्वास नहीं है लोगों को कांग्रेस पर, मैं ये नहीं मानता, क्योंकि अभी मैं चुनाव के माहौल से ही आ रहा हूँ, कुछ दिन पहले ही आया, और जो मैंने देखा है, जो मुझे अनुभव है, उस आधार पर मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे मतदाता को बहुत समझ है। आपने और ये बातें हम उठाएं कि सरकार में विश्वास नहीं है, जो महंगाई है, ये बात भी सही है, महंगाई है, पर आज के दिन जो किसान है उसको सोयाबीन का क्या भाव मिलता था 5 साल पहले, उसको गेहूं का क्या दाम मिलता था 5 साल पहले, किसान ये बात जानता है। उसको कपास का क्या भाव मिलता था 5 साल पहले और आज क्या मिलता है, और कितने प्रतिशत उसका बढ़ा और कितने प्रतिशत महंगाई बढ़ी, ये प्रश्न अगर किसान अपने आप से पूछता है और इसका जवाब वो देता है। आपने मोदी जी की रैली में आई गई या लाई गई भीड़ की बात की, लेकिन राहुल गांधी की रैली में तो ना आई गई भीड़ होती है ना लाई गई भीड़ होती है। देखिए, ये आपने एक दिल्ली की सभा देख ली, अगर आपने उनकी सभाएं देखी होती मध्य प्रदेश में जहां मैं था, ये दिल्ली की सभा में, ये सभा का फैशन दिल्ली में कम होता जा रहा है। चुनाव प्रचार में एक समय था 20 साल पहले कि भीड़ से गिना करते थे लोग। मैंने मध्य प्रदेश में देखा राहुल गांधी जी की जो सभाएं थी, बहुत बड़ी सभाएं थी और लोग 100-200 किलोमीटर से आए, और ये आप कहें कि वो लाई गई भीड़ थी, ये बिल्कुल नहीं है। हाँ, अपने कार्यकर्ता
आते हैं दूर दूर से, वो सुनना चाहते हैं। तो ये बात कि राहुल गांधी की मीटिंग यहाँ फेल हो गई तो इसलिए राहुल गांधी फेल हो गए, मैं तो उस मीटिंग के बारे में मुझे पता नहीं, पर जो मैंने पढ़ा था मैं उसको कोई आधार नहीं मानने को तैयार कि मैंने खुद देखी है। आपने तो एक की बात कर रहे हैं, मैंने तो 10 देखी मध्य प्रदेश में। आपने लाई गई भीड़ की बात की, तो जेटली जी से बात करते हैं उसी बारे में कि बसों में भर के, ट्रेनों में भर के, जैसे पटना में आप आए वहां पर रैली हुई मोदी जी की, बड़ी हुंकार रैली। कहा यह जा रहा है कांग्रेस द्वारा, जेडीयू द्वारा, कि ये सारी लाई गई भीड़ है, सारे आपके वर्कर्स हैं जिनको भर भर के राज्य भर से आप ला रहे हैं दिखाने के लिए कि कितनी बड़ी रैली लग रही है। देखिए, जिन प्रांतों में हमारी पार्टी की बहुत ताकत नहीं है, केरल में, तमिलनाडु में, अगर लाखों की संख्या में वहां भी लोग आ रहे हैं तो वहां तो हमारी लाने की भी क्षमता नहीं है, वहां हम जीतते भी नहीं हैं। और वहां अगर लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, और इसलिए मैंने उन दो प्रांतों का नाम लिया, तो इन संकेतों को समझ लिया जाए। सवाल ये नहीं है कि एक भीड़ सभा में भीड़ आई कि नहीं आई। राजनीति में, क्योंकि आप विशेष की चर्चा कर रहे हैं कि किसका राज तिलक होगा, हार तब होती है जब हम आप प्रयास करना छोड़ दो। एक सभा खराब हो गई उसके बाद पूरे चुनाव को छोड़ के आप भाग जाओ। यू लूज इन पॉलिटिक्स व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग। क्यों छोड़ दिया कमलनाथ जी? आखिरी के कुछ दिनों में दिल्ली में न राहुल गांधी ने, न मनमोहन सिंह, न सोनिया गांधी ने, किसी ने जाके सभाएं नहीं की, लगा कि कांग्रेस ने मान लिया कि हार रहे। बिल्कुल नहीं, आखिरी दिनों में कोई उम्मीदवार कोई सभा में सम्मिलित या सभा को संगठित नहीं करना चाहता। मैं जानता हूं कि चुनावों में आखिरी 3 दिन सब कहते हैं हमें कोई सभा नहीं चाहिए, वो अपने काम में बिजी होते हैं, जनसंपर्क में बिजी है, कोई सभा चाहता नहीं है। ये बात हमें याद रखनी चाहिए, ये एक बहुत बुनियादी बात हर चुनाव की है। अगर बीजेपी वाले उम्मीदवार तो चाह रहे थे कि मोदी जी आए, जेटली जी आए, सुषमा जी आए, गडकरी जी आए, तो एक के बाद एक सभाएं हो रही थी, मानते हैं। सवाल ये नहीं कि पहले मीटिंग होती थी बाद में होती थी। इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश की राजधानी में चुनाव हो रहा है, एक भी सभा में नहीं आई, एक सभा रखी और कहा मैं व्यस्त हूं, मैं उसमें भी नहीं आ सकता उस दिन, क्योंकि मोदी जी की 3 सभाएं थी। राहुल जी एक में आए, वो सभा बिगड़ गई, तो उसके बाद आए ही नहीं। तो ये पहले और बाद की बात नहीं है, ये तो पूरे चुनाव में बेचारी शीला जी अकेली लगी रही, जो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व था, जैसे उसने अबैंडन कर दिया वो चुनाव को, इस प्रकार की स्थिति थी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप 2014 में क्या होगा इसकी पहचान करना चाहते हो, तो चुनाव में हार तब होती है जब आप प्रयास करना ही छोड़ दो। यू कैन सी द राइटिंग ऑन द वॉल। डर गए लगता है कमलनाथ जी? बिल्कुल नहीं, ये प्रयास की बात नहीं है, ना हमने प्रयास छोड़ा है ना हम छोड़ेंगे। चिंता उनको है जो वो जानते हैं कि अपने टारगेट से ये बहुत दूर है, और यही इनकी चिंता है। तो ये चिंता से हम परेशान नहीं है, चिंता से दूसरे परेशान हैं। तो मुझे पूरा विश्वास, टारगेट तो आप पूरा करने में स्पेशलाइजेशन है आपकी, साम दाम दंड भेद यहां वहां सब जगह से टारगेट कमलनाथ जी सोनिया जी का पूरा कर देते हैं हर दफा। देखिए, ये टारगेट पूरा करना भी एक राजनीतिक कार्य होता है, तो इसमें क्या खराबी है? दिस इज पॉलिटिक्स। तो इसमें कौन सी खराबी है कि इसमें शर्माने की बात हुई? वाकई पर जेटली जी, टारगेट की बात करते हैं, और टारगेट इसीलिए दूर लगता है क्योंकि वाजपेयी जी के साथ जो एलाइज आके खड़े हुए, ममता जी हुई, नवीन पटनायक हुए, इन लोगों ने अब पोजीशन ले ली है कि मोदी जी के नेतृत्व में वो एनडीए में नहीं जुड़ेंगे, तो कैसे पूरा करेंगे ये टारगेट आप? देखिए, हम लोगों ने इसको आकलन अपनी पार्टी का किया है, अगर भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती है तो एनडीए मजबूत होगी, और भारतीय जनता पार्टी जिस नेतृत्व में मजबूत हो सकती है उस नेतृत्व को आगे रखने का हमने निर्णय लिया है। आज हम कमजोर हों, आज हमारी शक्ति और क्षमता एक कम सीट पहुंचने की हो, तो फिर उससे हम बहुत बड़ी एनडीए बना लेंगे ऐसी कल्पना नहीं है। अगर हम अपना टारगेट बीजेपी का बड़ा रखते हैं और उस टारगेट में आगे बढ़ते हैं तो मजबूत बीजेपी का अर्थ होगा एक मजबूत एनडीए, कमजोर बीजेपी का अर्थ कभी मजबूत एनडीए नहीं हो सकता। और इसलिए कौन चुनाव से पहले आएगा, कौन चुनाव के बाद आएगा, वो भी अपने आप में राजनीति हो सकती है। आंकड़े जुटाना कमलनाथ जी की मैनेजमेंट स्किल्स के आधार पर संसद के इस चरित्र में संभव है। जब आप मास इलेक्शन में जाते हो तो उस टैलेंट का प्रयोग उसमें थोड़ा कम होता है, पर ये हम देख भी रहे हैं कमलनाथ जी।
चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि वो आने को तैयार है मोदी के साथ, पहले कहते थे कि कभी नहीं, मुसलमानों का वोट बहुत लूज हुआ, कभी नहीं बीजेपी से टाइप करूंगा। चौटाला साहब तैयार खड़े हैं, प्रफुल्ल महंत से बातचीत चल रही, तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं पहले से रुख नरम हो रहा है। जैसे माहौल बन रहा है वैसे एलाइज का भी रुख नरम हो रहा है। देखिए, ये माहौल को हम मान लें, ये बेसिस बन गया किसी की जीत का, मैं इसे बिल्कुल नहीं मानता। अंत में ये आखिरी कार्ड था, मोदी जी थे आखिरी कार्ड बीजेपी के, जो इनके यहां खुद भी सहमति नहीं थी। मोदी जी पर भारतीय जनता पार्टी में भी सहमति नहीं थी, देश को छोड़िए हमें छोड़िए, कि एक विवाद खड़ा हुआ और पूरे देश के सामने यह विवाद खड़ा हुआ। पर यह भारतीय जनता पार्टी का आखिरी कार्ड था। आखिरी कार्ड क्यों था? वो देख रहे थे कि वह दिन पर दिन फिसल रहे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि यही कार्ड हमें चलना चाहिए और यही चेहरा हमें अगर कोई बचा सकता है तो यही चेहरा बचा सकता है, ये हमारी सबसे बढ़िया बाजी होगी। तो अगर ये चेहरा 4-0 का एक वो दे देता है स्कोर लाइन सेमीफाइनल में, तो आप मानेंगे कि ये पत्ता चल गया, तुरुप का पत्ता निकला? ये कहना मुश्किल है, ये मैं नहीं जानता। ये सेमीफाइनल, ये तो 9 तारीख को बात करेंगे, और ये कह देना, ये तो आप मान रहे हैं कि ओपिनियन पोल ने पूरा फैसला कर लिया। ये जो एक आपके हिसाब से क्या स्कोर लाइन रहेगी, याद रखिएगा, ये सब देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और रात जब देखेंगे नतीजे 8 तारीख को तो याद रखेंगे। बिल्कुल, मैं तो कहने को तैयार हूँ, मैं तो कह रहा था, आपने मुझे रोक दिया। क्या स्कोर लाइन? आपने तो मुझे रोक दिया। मैं कह रहा हूँ, मैं जहां का जानता हूँ बता सकता हूँ। मैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जानता हूँ, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो आपके ओपिनियन पोल हैं, ये गलत साबित होंगे। इससे स्पष्ट तो मैं नहीं कह सकता। आप ही के राज्य से आते हैं, आपके मित्र हैं, अगर मैं कहूं दिग्विजय जी आज सुबह यहीं पर बैठे थे, 3 चीजें कही उन्होंने कि हाँ, एक चाय वाला देश का पीएम बन सकता है, हाँ मोदी पहले से बहुत ज्यादा इंक्लूसिव हो गए हैं, पहले जितने कट्टर थे अब वो नहीं थे, और साथ के साथ उन्होंने माना कि मोदी के बैंडवैगन पे कहीं ना कहीं माहौल एक बनता नजर आ रहा है। तो अब तो कांग्रेस ही लगता है कि मोदी के फ्रेंड क्लब में जोड़। अब मैं नहीं जानता क्या दिग्विजय सिंह ने कहा, क्योंकि मैं नहीं था, पर यह बात देखिए कि दिग्विजय सिंह कह गए, देश की जनता क्या कहती है। मोदी जी ने बहुत इस चुनाव में मेहनत करी है, उन्होंने प्रचार किया मध्य प्रदेश में, उन्होंने वैसे कर्नाटक में भी प्रचार किया था और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन गई थी, छत्तीसगढ़ में बहुत प्रचार किया। तो ये कह देना कि मोदी जी आ गए तो बीजेपी जीत गई, ये आप इतना इसको सिंपलिस्टिक मत मानिए। ये दिल्ली की जो हवा है, 6 सीटों की हवा है, 6 लोकसभा सीट, और दिल्ली अपने आप को सोचे कि हम तो देश हैं, और दिल्ली के चैनल समझें हम देश हैं, हम देश से ऊपर हैं, हम देश की भावनाएं बनाते हैं, ये भूल बिल्कुल मत करिएगा। कम से कम ये मान रहे हैं कि शीला जी के लिए तो 6 सीटें बड़ी मुश्किल है, 7 सीटें हैं वैसे। लेकिन जेटली जी, ये सवाल सही पूछा कमलनाथ जी ने कि छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का जो भी नतीजा हो, अब हम देखेंगे कि चुनाव के बाद अगर जीत गए आप लोग तो आप मोदी को बहुत हद तक श्रेय देंगे, लेकिन संभवतः हो तो मोदी के बगैर भी आप जीत सकते थे, जो आडवाणी जी कह रहे थे कि बाद में कर लेते हैं असेंबली इलेक्शंस के बाद फैसला। ये कैसे आप बताएंगे स्ट्रेटेजिकली, मैथमेटिकली, कि मोदी को कितना श्रेय जाता है? मैं 2 विषयों से डील करूंगा। एक, जो कमल जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी बीजेपी का आखिरी कार्ड है, वो आखिरी कार्ड है या स्ट्रांगेस्ट कार्ड है ये तो आने वाले 6 महीने बतलाएंगे, लेकिन उन पार्टीज का क्या होगा जिनके हाथ में अब कार्ड नहीं है, चिंता सबसे बड़ी ये है। दूसरा, अब इस चुनाव के परिणाम क्या आते हैं, कुछ लोगों का ये मानना है कि आपने रिस्क लिया, नरेंद्र मोदी का नाम आप असेंबली चुनाव के बाद डिक्लेयर करते, ये हमने सोच समझ के निर्णय लिया है। सोच समझ के इसलिए लिया है कि हमारी 2 सरकारें जो हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, हमें पूरा विश्वास है हम रिपीट करने वाले हैं। राजस्थान में केवल हम जीतने वाले नहीं हैं, एक बड़ी जीत होने वाली है। राजस्थान के चुनाव में मैं भी लगभग 4 चुनावों में गया हूं और वहां का माहौल देखा है। इस परिस्थिति में चुनाव एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और मैं मानता हूं कि लोकसभा चुनाव का अभियान ऑलरेडी चल रहा है, जो हमारी देश भर में रैलीज हो रही हैं उसका एक हिस्सा है। जो रिस्पांस हमें आ रहा है उससे भी बिल्कुल स्पष्ट है, और जिनको इन लहरों का अर्थ समझ में नहीं आता, मुझे लगता है कि उनको शायद 6 महीने बाद विश्लेषण करने में थोड़ी सरलता होगी उनको समझने के बाद। पर कमलनाथ जी, मैं इसका जवाब दे दूं, 2003 में बिल्कुल ये स्थिति थी,
भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश जीती, राजस्थान जीती, छत्तीसगढ़ जीती, तीनों प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार थी, सही है। और ठीक उसके 5 महीने बाद इतनी इनको उन्होंने सोचा, ऐसी लहर है बीजेपी की कि इन्होंने अपना चुनाव एडवांस कर लिया, अपना चुनाव एडवांस कर लिया और मई में चुनाव करवा लिया, और उस चुनाव में बीजेपी को घर बैठना पड़ा, कांग्रेस की सरकार बन गई। और ये कौन सी लहर थी? ऐसी लहर इनको समझ आई जो लहर से इन्होंने चुनाव एडवांस कर लिया, और अब अगर इनकी बात सही है कि ये लहर बन रही है, ये चुनाव कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो 2003 में क्या हुआ, 2008 में क्या हुआ? अच्छा, आपने पत्तों की बात की, आपने कहा मोदी आखिरी पत्ता है, जेटली जी ने कहा कि सबसे मजबूत पत्ता है, वहां पत्ते तो हैं, आपके यहां पत्ता है कि नहीं है, किस रूप में है? देखिए, पत्तों की राजनीति गेम में आएगा नहीं आएगा या गेम के बाहर रहेगा या पत्तों का अभी पता नहीं है। पत्तों की राजनीति में तो बीजेपी जाने ये करते हैं, इनके पास हमेशा कुछ ना कुछ कार्ड होता है। हाँ, ये तो 2 सीट भी थी, 2 से ये 90 कैसे पहुंचे वो भी एक पत्ता था, उसके बाद ये आगे कैसे पहुंचे ये भी एक पत्ता था, पर अंत में ये पत्ते की राजनीति किसी की भी होए देश की जनता समझती है। उनके पत्ते पे मोदी की शक्ल है, आपके पत्ते पे कौन है? हमारे पत्ते पर सोनिया गांधी जी की शक्ल है, जिस पत्ते पर हम 2 चुनाव जीते हैं, 2004 और 2009 जीते। इस दफा हमारा तो टेस्टेड पत्ता है, पर इस दफा लग रहा है कि सोनिया गांधी रेस्ट लेते हुए राहुल गांधी को आगे कर रही है। देखिए, राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट कहा हुआ है, कई दफे कहा है कि मैं इसके रेस में नहीं हूं। तो ये आज जो जब हम 2004 में सोनिया गांधी जी की बात करते थे इसी प्रकार के कार्यक्रम में, और दिल्ली में खास ये बात उठती थी कि ये तो बिल्कुल चलेगा नहीं, 2009 में ये चलेगा नहीं, और देश की जनता ने चलाया, टीवी चैनल बेचारे चला नहीं पाए। पर जेटली जी, एक अहम सवाल है कि नरेंद्र मोदी में एक भूख, एक तड़प, एक डेस्परेशन सा नजर आता है दिल्ली तक पहुंचने में। जब भी बड़ी उनकी सभा होती है पीछे रेड फोर्ट होता है। हिंदुस्तान में राजनीति में ये सोच रही है कि जो भी किसी भी गद्दी के लिए भूखा रहा है, जिसने बहुत ज्यादा प्रयास किया है, उसको इतिहास में कभी वो गद्दी मिली नहीं है। तो कांग्रेस ये उम्मीद लगा के बैठी है कि मोदी जी कोशिश करते रहेंगे और कोई और आके गद्दी में बैठ जाएगा। देखिए, ये तो होता नहीं है कि जिस पत्ते का नाम भी नहीं लेना चाहते ये, और जिसकी तस्वीर भी अपने पत्ते के ऊपर नहीं रखना चाहते, उस तक शासन पहुंच जाएगा, ये संभावना राजनीति में नहीं होती। नहीं, हम लाल किले का नहीं रखना चाहते। मैं केवल आपको ये चुनाव कोई चुनाव की बैकग्राउंड स्टेज की किसकी बनी है उसके बेसिस पे थोड़ी ना तय होता है। मैं 2003 और 2014 का अंतर आपको बतला दूं, क्योंकि 3 चुनाव हम जीते और फिर हार गए, इसलिए इस बार भी ऐसे होगा। जिन प्रांतों में कांग्रेस को जीत मिली थी, जिसकी वजह से 2004 का आंकड़ा बदला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र, कमलनाथ जी बहुत काबिल राजनीतिज्ञ हैं, कम से कम सीरियसली उन प्रांतों की अपनी स्थिति का विश्लेषण कर लें। उत्तर प्रदेश और बिहार में कहीं रिवाइवल नजर होता दिख नहीं रहा। दिल्ली और उत्तर भारत में जहां 2009 में अच्छी सीटें जीती थी, वहां एक एक प्रांत के अंदर जो पार्टी की स्थिति है उसका आकलन आप कर लें। और देश का जो मूड बन रहा है इस बार, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, जो प्रांत ऐसे हैं जिसमें हम मजबूत हैं, वहां हमारी रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है, मुझे कहने में संकोच नहीं है। हम अपना टारगेट और अपना स्ट्राइक रेट मैक्सिमाइज करेंगे। जहां हम कमजोर हैं, जहां कन्वेंशनली हम नहीं जीतते रहे हैं, जहां गठबंधन संभव है वहां गठबंधन चुनाव से पहले करेंगे, जहां संभव नहीं है अपनी स्ट्रेंथ मैक्सिमाइज करके चुनाव के बाद देखेंगे। पर आपको नहीं लगता कि यह बेहतर स्ट्रेटजी है कि जनता को मालूम है कि अगर मैं बीजेपी को वोट दूं तो मोदी आएंगे, अगर मोदी को पसंद करें तो दें, ना पसंद करें तो ना दें। आपके यहाँ पे मालूम ही नहीं कि कौन आएगा, किसको बैठा देंगे। अगर राहुल गांधी आपके चुनाव प्रचार को लीड कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि बेहतर हो कि वो भी दिखाएं भूख तड़प, क्योंकि हिंदुस्तान की सूरत भी बदल रही है। हिंदुस्तान में लोग चाहते हैं कि अगर वो किसी को नौकरी दें तो वो उसमें वो इच्छा शक्ति हो उस नौकरी में कामयाब होने की, जो राहुल में नजर नहीं आती। देखिए, ये हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं और वो आज हमारी पार्टी की अध्यक्ष हैं। हम उसको अब कहने लग जाएं कि वो नहीं, अब राहुल गांधी जी होंगे, ये मैं जैसे मैंने कहा 6 महीने बचे और 6 महीने में आप क्या परिवर्तन होगा
अपने देश के माहौल में, क्या परिवर्तन होगा अपने देश के सोच और विचार में, ये हमें समझनी है। ये जो इन्होंने 2003 की बात करी, हमें याद रखनी है बात कि 2003 का ये चुनाव, जो 2004 का लोकसभा का चुनाव था, इसको प्रीपोन करने का एक ही कारण था कि जो ये राज्य जीते इन्होंने कांग्रेस से छीने। ये तीनों राज्य कांग्रेस के हाथ में थे, अजीत जोगी थे, दिग्विजय सिंह थे, अशोक गहलोत थे, यही वातावरण था और उस समय कांग्रेस जीती। पर आपको चिंता है जेटली जी कि नरेंद्र मोदी एक बहुत रिस्की कार्ड है, जहां एक तरफ उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब एकाएक न जाने क्या निकल जाए कबर्ड से, जैसे स्नूप गेट हुआ, कुछ और निकल गया, कि पूरे का पूरा जो माहौल बना वो बिगड़ भी जाए। देखिए, आप बहुत डिफेंसिव राजनीति करेंगे तो बहुत राजनीति में सफल नहीं हो सकते। इसलिए आपको, जिसकी सबसे अधिक स्वीकृति इस देश में है, आपको ओपिनियन पोल्स पे विश्वास ना हो, जो चुनाव संबंधित ओपिनियन पोल्स नहीं होते, जितनी पोल आ रही हैं जो ये पूछती है कि इस देश में सबसे लोकप्रिय नेता कौन है, एक अपवाद नहीं है, एक एक्सेप्शन नहीं है जो ये ना कहे बाय अ लॉन्ग मार्जिन नरेंद्र मोदी आगे हैं। तो हम जो हमारा बेस्ट अवेलेबल लीडर है, इसमें रिस्क होगा, हार गए तो क्या होगा, अगर सब कुछ यही तोलना था तो फिर घर बैठते। अगर राजनीति करनी है और सरकार बनाने का प्रयास करना है तो स्वाभाविक है जो सबसे मजबूत पांव है वो आगे आना चाहिए, और यही हमने किया है। पर कोर्ट के फैसले, कोई एक और इन्वेस्टिगेशन, कोई देश की राजनीति में कोई दूसरा नेता ऐसा नहीं है जितनी इसकी इतनी अधिक स्क्रूटनी हो गई हो जितनी नरेंद्र मोदी की हुई है, जिसके ऊपर SIT बैठ गई, सुप्रीम कोर्ट ने 10 बार फैसले कर लिए, लेकिन एक भी रतिबर का कोई एविडेंस कहीं नहीं आया। और इसलिए हम केवल डिफेंसिव होकर डर के मारे अगर राजनीति करेंगे तो शायद फिर सफल होने का कोई संभावना नहीं। आप मानेंगे कमलनाथ जी कि मोदी का इस वक्त एक ऐसा कद बन गया है कि बाकी सारे लीडर्स को वो ओवरशैडो कर दे रहे हैं पूरे इंडियन पॉलिटिक्स में? अगर ऐसी बात है तो आगे आने वाले चुनाव परिणाम में जो आने वाले हैं, जहां जहां मोदी जी ने प्रचार किया वहां तो भयंकर उनकी जीत होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की जीत होनी चाहिए, लेकिन लग रहा है। तो अगर ऐसी बात है, कर्नाटक में कहा जाता था कि अब जब बीजेपी की हालत खराब थी कि अब तो मोदी जी आ गए, मुझे याद है कर्नाटक में कह रहे थे मोदी जी आ गए, और कर्नाटक में क्या हुआ? अब कहेंगे वो तो लोकल कारण थे, अभी नहीं, पर अब क्या लोकल कारण होते हैं? अब लग रहा है कि मोदी जी को काटने के लिए आप अलग अलग तरकीब अपना रहे हैं। इसमें कम्युनल वायलेंस बिल लेके आए, जिसको लेकर जेटली जी ने बहुत विरोध किया। हम कोई कम्युनल वायलेंस बिल लाए नहीं है आज के दिन, और अरुण जेटली जी इसे अच्छी तरह जानते हैं, ना तो लोकसभा में है ना तो राज्यसभा में, अभी तक तो वो कैबिनेट में नहीं पहुंचा, पर ये इसको ऐसा बना दिया जैसे कि ये कल पास होने वाला है। ये इस पर राज्यों से चर्चा हो रही है, सब राज्यों से चर्चा हो रही है, एक प्रकार की सहमति। इस प्रकार के बिल में जिस प्रकार का कोई भी कानून आता है, मैं सहमति लगभग में आऊंगा, मैं सोच पे फिलहाल हूँ। सोच यह है कि जितने भी सांप्रदायिक दंगे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज के खिलाफ ही होते हैं, ये चुनाव से पहले कैसी सोच है? ये चुनाव से पहले नहीं है, ये हमारे 2009 के घोषणा पत्र में है। ये आप सोचें कि चुनाव के पहले, आप कृपा करके हमारे 2009 में जो घोषणा पत्र था हमने ये बात कही थी, ये आज नहीं कही। इसमें तो अगर हम देर हुई है तो हमारे कारण देर हुई है, ये बिल अब ड्राफ्ट हुआ है, ये अब राज्यों से इसकी चर्चा होगी, राज्यों की चर्चा के बाद इसमें राजनीतिक दलों से हम बात करेंगे, कैबिनेट में जाएगा, कैबिनेट के बाद फिर से लॉ मिनिस्ट्री में जाएगा। ये तो अभी तो जेटली जी बिल फाइनल ही नहीं है, आप तो ब्लॉग पे ब्लॉग लिखे जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो बदलने को तैयार हैं परिभाषा कम्युनल वायलेंस बिल की, नाम बदल देंगे, माइनॉरिटी मेजोरिटी बदल देंगे।